Hello everyone. Gugu. Oh Gugu. Well, hi guys. Hi guys. Welcome back to my channel. Like, share and subscribe. Hello guys. Welcome back to my channel. Like, share and subscribe. हमारे में ना जो शादी का जोड़ा होता है वो लड़के वालों की तरफ से आता है, मतलब फुल ये जो सूटकेस है पिंक कलर का, ये पूरा सूटकेस ही लड़के वालों की तरफ से आएगा। लेकिन हमने एक स्पेशल किया है कि लड़के के लिए भी हमने ये छोटा वाला सूटकेस बनाया है, जिसमें उसके ये शादी वाली शेरवानी, हल्दी, मेहंदी थूबड़ो एंड जो रिसेप्शन है, जूता वगैरह, पूरा सब शादी के लिए पूरा जोड़ा हम उसको भेजेंगे हमारी तरफ से। अगर लड़की के लिए शादी वाला जोड़ा उनके घर से आ सकता है तो लड़कों के लिए क्यों नहीं। दिस वॉज द थॉट बिहाइंड दिस। एंड ये शेरवानी मेरे पापा ने बनाया है, तो वही मैं दिखा रही थी आप सबको। सो दिस इज द कुर्ता, दिस इज पजामा एंड ये है इसके ऊपर का शेरवानी जो मेरे पापा ने खुद से बनाया है। डिजाइनर मैं हूँ, मैंने डिजाइन किया है। सो जब वो पहनेगा तब आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ये कैसा लगा। दिस इज द ज्वेलरी जो वो शेरवानी के साथ वेडिंग डे पर पहनेगा, ये भी मैं इधर ही रख देती हूँ। दिस इज द थ्री पीस सूट सेट जो हमने डिसाइड किया था रिसेप्शन के लिए, बट ये इतना बड़ा है ना कि ये इस छोटे से ट्रॉली में फिट नहीं हो रहा, सो मैं इसे इस बड़े वाले ट्रॉली में ही इसे भेज दूंगी। ये है हल्दी के लिए सेट, ये कुर्ता एंड ये वाइट कलर का पजामा। ये है शेरवानी के लिए वेलवेट का दुपट्टा। दिस इज नॉट येट कन्फर्म्ड, लेट्स सी अगर पगड़ी के साथ जो दुपट्टा आएगा वो भी वो पहन सकता है। ये है हल्दी के लिए एक जो यहाँ का ऑथेंटिक गामछा बोलते हैं ना, जो कि टॉवल टाइप्स है, तो हल्दी के दिन चाहिए होता है ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को। और जैसे एंड ये जो एसेंशियल्स है, जॉकी वगैरह, ये पीटर इंग्लैंड का ही एक शर्ट है जो थ्री पीस सूट के साथ पहनेगा। ये हमने अलग से परचेज किया है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये इनर वेयर्स, ये शेरवानी का पजामा, ये है शादी के दिन पहनने वाला जूता, उसके साथ ये मैचिंग सॉक्स एंड ऑल सेट। सो लेट्स पैक दीस। हमारी तरफ से ग्रूम के लिए जो सामान जाएगा वेडिंग पर्पस के लिए, तो वो ट्रॉली बिल्कुल अभी रेडी है। लेट मी शो यू ऑल। सो ऑल सेट। एंड ये एक छोटा सा स्पेशल नोट, हैंड रिटन नोट है, ये मैंने लिखा है मेरी मम्मी और पापा की तरफ से फॉर द स्पेशल ग्रूम। आज के हमारे दुजोने राई बुड़ो भागी सरप्राइज बाय माय फैमिली। दिस इज़ माई ब्यूटिफुल अम्मी जो अभी हंस रही है। इनका ही सब प्लान था, इनका और मेरी दीदी का, और ये आप भी, मतलब मेरे पापा, उनका भी प्लान था जो अभी फ़ोन में बिजी है। एंड जोरो तो सो गया है, उसका भी गुड नाइट हो चुकी है। एंड गौर से देखिए, इस बंदरिया ने सब प्लान किया है और उसने भागा दौड़ी एंड ऑल सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट में उन्होंने प्लान किया था। ये शोलवाना बंगाली है जो कि एक ऑथेंटिक बंगाली रेस्टोरेंट है। हम दोनों का एक साथ आई बड़ो भात, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी फैमिली से प्लान करेगी। एंड हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज भी हो गए और काफ़ी खुश भी है, बिकॉज दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई बड़ो भात थाली में ना फ्राइड आइटम्स बहुत सारे होते हैं, जो रिचुअल है उसमें पांच तरीके के फ्राइड आइटम्स होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर पांच से भी ज़्यादा फ्राइड आइटम्स थे, जैसे फिश फ्राई, आलू फ्राई, बीन्स फ्राई, बैगन फ्राई और भी कई सारे फ्राइड आइटम्स थे उस थाली में। सब तो खाया भी नहीं गया था। और जो ये मेन कोर्स की थाली है, इस थाली में उन्होंने डिज़र्ट भी सर्व कर दिया था एक ही साथ, ताकि हम एक साथ इंजॉय कर सकें। तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ क्या क्या था, जैसे गुलाब जामुन, ये फिरनी है, ये टोमेटो चटनी, झुरझुरे आलू भाजा, मूंग दाल, एंड दिस इज माय फेवरेट आलू पोस्तो, दिस इज कांचा कॉलर कोफ्ता, और ये खीर पायश विच इज मैंडेट, एंड ये प्लेन राइस था उसके ऊपर रेड कलर का, ये है लाल साग। हम लोगों ने अलग से चिकन भी ऑर्डर किया था, तो ये चिकन कौशा है विच वॉज सो यमी। आई बड़ो भात बंगाली वेडिंग रिचुअल है जो ऑफिशियली लड़की का अपने मायके में लास्ट मील होता है,
शादी से पहले जो उसके पेरेंट्स उसे प्यार से खिलाते हैं, उसके फेवरेट डिशेस खिलाते हैं, ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है हर ब्राइड के लिए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने हम दोनों के लिए ये आईबुरो भात अरेंज किया। मेरे पेरेंट्स हमेशा उसे अपना बेटा ही मानते हैं और उसके लिए इतना सब अरेंज करना ये उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। सबसे पहला निवाला मम्मी के हाथ का होना चाहिए, तो मम्मी ने उसे पहले खिलाया, फिर पापा ने उसे खिलाया, उसके बाद मम्मी पापा ने मुझे खिलाया एंड मेरी दीदी ने भी हम दोनों को खिलाया। वो क्लिप मेरे पास नहीं है, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। पापा के पास कैमरा था बट शायद रिकॉर्डिंग हुई नहीं। और फिर इसने कहा कि मुझे भी खिलाना है, तो इसने खिलाया तो मैंने उसे भी खिला दिया। सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद हम सब ने डिनर किया एंड देन घर चले गए। इट वाज वेरी स्पेशल फॉर बोथ ऑफ अस, सो थैंक यू सो मच। ओ गुगू गुगू, घुमा भी उगरे माथे ठुके मेरे बाबा रे मिमी क्यों देखे नीचे पर मिमी शोशु पहले चले जाबे मोशेटा क्या अमर करने का शीशी शुरू कर गए नाक तो और बूचा हो जाए कि बूचा नाक Hi. Hi.